एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी झा एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के पोल्यूटेंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो मैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट पर बनाऊँगी। तो फर्स्टली पॉल्यूटेंट जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, दो मेजर टाइप के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जो रिलीज होता है पॉल्यूटेंट का एयर में, पॉल्यूशन जो हमारा पॉल्यूटेंट्स जो हमारे जिसकी वजह से हमारे पॉल्यूशन हो रहा है, वो उसका जो रिलीज होता है एयर में, जो कि प्लैनेट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल के लिए, सबके लिए डेट्रीमेंटल है, उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि डायरेक्टली एमिट करते हैं हम इन्वायरमेंट में सोर्सेज से, लाइक फैक्ट्रीज, वॉल्केनिक इरप्शंस, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, हम जिनको डायरेक्टली एमिट कर देते हैं इन्वायरमेंट में, उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। इनके सोर्सेज से हमारे फैक्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है उसको हम डायरेक्टली एमिट नहीं करते एटमॉस्फेयर में। सेकेंडरी पोल्यूटेंट तब फॉर्म होता है जब प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करे या तो खुद से या एटमॉस्फेयर के किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ, जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन, स्मॉग, POPs जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिनको हम कहते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के हमने अभी एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर वगैरह। तो पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? पार्टिकल पॉल्यूशन जो है उसी को हम पर्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। ये जो है टाइनी पीसेज होते हैं सॉलिड्स या लिक्विड के, जो कि एयर में होते हैं। दीज पार्टिकल्स में इंक्लूड डस्ट, डर्ट, स्मोक, पोलन, सूट, ये सारी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलेट मैटर ही कहती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? ये दो टाइप में डिवाइडेड है, PM10 एंड PM2.5। तो PM10 कौन से हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ ऑल पार्टिकल जिनकी जो एरोडायनामिक डाया होती है वो 10 माइक्रोमीटर हो या 10 माइक्रोमीटर से कम हो। और PM2.5 क्या होता है? ये ग्रुपिंग ऑफ पार्टिकल होता है जिसका एरोडायनामिक डाया जो होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो या 2.5 माइक्रोमीटर हो। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो भी पर्टिकुलेट मैटर 10 के अंदर आ गया। नाउ सोर्सेज क्या हैं पर्टिकुलेट मैटर के? तो जैसे क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है, उससे जो डस्ट निकलता है तो बहुत छोटे छोटे डस्ट होते हैं, डस्ट और डर्ट, ये सारे बहुत बहुत टाइनी पीसेज में होते हैं। तो वहाँ से सेकेंड, डस्ट फ्रॉम पेव्ड या अनपेव्ड रोड, जो हम रोड पर चलते हैं वहाँ से जो डस्ट निकलता है वो, और सारे टाइप ऑफ कंबशन जैसे कि मोटर व्हीकल्स में या पावर प्लांट या वुड बर्निंग, इन सब का, एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। नाउ अब ये जो पर्टिकुलेट मैटर है, ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, तो इसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट भी होगा ही होगा, है ना? जब वो पॉल्यूटेंट है तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट देगा ही। तो क्या होता है, इसकी वजह से आई इरिटेशन होने लगती है, लंग और थ्रोट में इरिटेशन होने लगती है, ट्रबल होने लग जाता है ब्रीथ करने में, और सम पार्टिकल्स लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन डाया वो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। एंड जो 2.5 माइक्रोमीटर वाले जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो कभी कभी हमारे ब्लड स्ट्रीम में अंदर चले जाते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट पर्टिकुलेट मैटर के बारे में। सेकेंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस है जो कि फॉर्म होती है बाय इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन। ये कौन से सोर्सेज से होते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जहाँ पे हायर लेवल ऑफ CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, वो जनरली अकर होता है जहाँ पे हैवी ट्रैफिक कंजेशन होता है, वहाँ पे भी जो रेजिडेंशियल हम लकड़ी जलाते हैं, वुड बर्निंग होती है, उससे, फॉरेस्ट फायर से, गैस स्टोव से, सिगरेट स्मोक से। और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ CO होता है वो टिपिकली हमारा कोल्डर मंथ्स ऑफ द ईयर में ज़्यादा देखने को मिलता है, जब इन्वर्जन कंडीशन हमारी होती है। इन्वर्जन कंडीशन में क्या होता है? जब हमारा एयर पोल्यूटेंट्स जो होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है ग्राउंड के पास,
नियर अ वार्म एयर, तो इसीलिए हमें कोल्डर कंडीशन में देखने को ज़्यादा मिलता है। ये इन्वर्जन कंडीशन वगैरह क्या है, ये प्लूम बिहेवियर और लैप्स रेट, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, मैं आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नाउ इसके क्या पोटेंशियल इफेक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है ब्लड में, और जिसकी वजह से हमारी जो है ब्लड जो हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है वो रिड्यूस होने लग जाती है उसकी एबिलिटी। सी जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में जाती है, पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होने की, वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, बिकॉज आर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है सीओ का, वो एक्सपोजर आर फटीग, हेडेक, कन्फ्यूज़न, डिजीनेस, इनकी वजह से, क्योंकि हमारे ब्रेन तक तो ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पा रही है, इसीलिए ये सब हमें देखने को मिलता है, ये हमारे सारे हेल्थ पे इफेक्ट करता है। थर्ड इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेज क्या क्या हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म व्हेन द फ्यूल इज़ बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर। जब फ्यूल को हम हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है, और नॉक्स पोल्यूशन जो है वो एमिट होता है। फर्स्ट तो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड तब मिलता है हमें जब हाई टेम्परेचर पे हम फ्यूल बर्न करते हैं। सेकेंड, नॉक्स पोल्यूशन जब हमारा एमिट होता है वो होता है ऑटोमोबाइल्स या ट्रक से। नॉक्स क्या है? कंबाइंड फॉर्म है NO2, N2O, NO, इन सब का कंबाइंड फॉर्म है नॉक्स। और थर्ड, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, जैसे कि पावर प्लांट, कोल की बर्निंग होती है जहाँ हाई टेम्परेचर पे, वहाँ से भी हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं हमारे बॉडी पे, हमारे ह्यूमन हेल्थ पे? कफिंग होती है, वीजिंग होती है, ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है, और इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी है, एक एसिड रेन, इसकी वजह से एसिड रेन भी होता है, क्योंकि जो हमारा NO है वो वाटर के साथ रिएक्ट होके एसिड रेन फॉर्म करता है। ये एसिड रेन क्या है, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें एसिड रेन क्या होता है, उसके क्या कितने टाइप्स होते हैं, ये एसिड रेन क्यों होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। फोर्थ है हमारा, फोर्थ प्राइमरी पॉल्यूटेंट है हमारा सल्फर ऑक्साइड। तो सल्फर ऑक्साइड कैसे मिलता है हमें, क्या सोर्स है इसका? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट पावर प्लांट और अदर इंडस्ट्रीज, एंड सेकेंड वॉल्केनोज, इन दोनों की वजह से हमें सल्फर ऑक्साइड देखने को मिलता है। और इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, ये इरिटेशन होती है इससे नोज और थ्रोट में, एंड एक्सपोजर टू हाई लेवल, अगर इसका हाई लेवल हो जाएगा तो उसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। एंड इसकी सल्फर ऑक्साइड की वजह से भी हमें एसिड रेन देखने को मिलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड दोनों की वजह से इन्वायरमेंटल ह्यूमन इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, ह्यूमन पे हार्मफुल इफेक्ट तो पड़ता ही है, इन्वायरमेंट पे भी हमारा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों की वजह से एसिड रेन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।